ये है बालेश्वर पहाड़, फेमस है हमारे एरिया में। यहाँ पे ऊपर भूतनाथ का टेंपल है। पता नहीं क्यों इसको कोई नोटिस नहीं करता है, बस कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे ही सब लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। एंड आज बहुत दिन के बाद गांव आए हैं। ये दोस्त सब है जिसके साइकिल पे बैठ के आ रहे हैं। इधर एक है लौंडा। ये गांव जाने का रास्ता है मेरा। बस आज मन हुआ तो उठा के चल दिए मुँह भटके भटके। बहुत अच्छा। ये है बालेश्वर पहाड़, फेमस है हमारे एरिया में। पता नहीं क्यों इसको कोई नोटिस नहीं करता है, बस कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे ही सब लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे। बाकी आप एक बार आकर के देख लो खुद से, बहुत अच्छा जगह है। तो ये हैं नंदी बाबा जो बदेश्वर पहाड़ के नीचे विराजित हैं। ये पूरा बटालियन जा रहा है अभी ऊपर मस्ती करने के लिए। इसको पहचानते होंगे आप लोग, बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम पे। ऐसा कुछ नजारा है श्री। तो यही वो मंदिर है जो अभी नया नया बना है, दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ से नीचे का नज़ारा चेक कीजिए। वाह क्या व्यू है। यहाँ सामने में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे नर्सिंग का काम होता है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वन विभाग वाले। वाह क्या कोहरा है, आज मौसम कुछ ज़्यादा ही प्रीटी हो रहा है। तो चलिए महादेव से मिलाता हूँ। और ये हैं हमारे बदेश्वर पहाड़ के बदेश्वर बाबा। ये उनके बेटे गणपति बप्पा जी का मूर्ति है, मंदिर है। और ये रहा वो बदेश्वर महाराज का मंदिर। और यहाँ से लोग ऊपर आते हैं। अंदर का नज़ारा ऐसा है। जय गणपति बप्पा। और यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैंने बताया आपको, नया बना है। बजरंगबली का मूर्ति है, संगमरमर का मूर्ति अभी बैठाया गया है इनको। हाल ही में 1 साल हुआ है इस मंदिर को बनने से। तो और सबसे ऊपर पे जो ये मंदिर है, ये है राम मंदिर जिसमें हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया के साथ विराजित हैं। बड़ा ही पावन धाम है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के, नज़ारा बहुत।
बिहार में रह करके शिमला की वादियों का मजा, जहाँ देखो उधर कोहरा ही कोहरा। और 10-15 दिन में बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाएगा इस एरिया में। ये रास्ता है ऊपर जाने का, यहाँ पे बंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ से ऊपर जाते हैं, बराबर है तो कुछ टेंशन भी नहीं होता। बाकी चारों साइड ऐसे जंगल ही जंगल। पिकनिक के लिए अच्छा जगह है। फ्लावर्स सब जगह, बस यही जंगली फूल फूल ही फूल। तो जब यहाँ से इतना दूर रास्ता चढ़ के आने के बाद तब जा कर के भूतनाथ का दर्शन होता। ज़्यादातर लोग यहाँ तक आते ही नहीं है कि आगे क्या है नहीं है बोल के, रुक जाते हैं वहीं पार्क तक ही। तो एक बार मेरा सजेशन मानिए और एक बार ऊपर आ कर के यहाँ से व्यू का नज़ारा लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि भदेश्वर पहाड़ से क्या नज़ारा दिखता है। कुछ ऐसा है अभी भूतनाथ का मंदिर, जो कि काम चल रहा है इसका। जैसे जैसे पब्लिक आते हैं, फंडिंग होती है, वैसे वैसे इसका काम प्रोग्रेस पे है। बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, इसे बनाने में मदद कीजिए सरकार की। यहाँ जंगल नहीं जंगल, इस साइड से नज़ारा दिखता है। इधर तो खाई है, अब बस यहाँ से आगे जंगल देख करके भड़कना नहीं है। ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब रास्ता ढूंढना पड़ता है, एक तरह का हैकिंग हो गया ये। जब आप यहाँ से दूर दूर जाते हो, जब उत्तराखंड शिमला वगैरह तो उधर घूमते हो, सुबह सुबह हैकिंग के लिए निकलते हो, तो कभी इस तरह की जगह पर भी आ कर के हैकिंग किया कीजिए। बहुत बढ़िया जगह है, बस थोड़ा सा नेचर का एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ से आपको व्यू दिखा दो ऐसे 50 GB टाइम। अब आप बताओ कि इस व्यू के लिए आप क्या कहोगे? ये कहीं और से नहीं, ये हमारे भदेश्वर पहाड़ का व्यू है चारों साइड। आज तो मौसम इतना अच्छा है, कुहासा है, कोहरा है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, लेकिन हाँ नज़ारा बहुत अच्छा है। से कभी आप देखोगे इस चीज़ को मज़ा आएगा। भदेश्वर पहाड़ का ये वाला हिस्सा आप लोग को शायद ही कोई दिखाया होगा। इस साइड का ये नज़ारा है पूरब साइड का, ये है पूर्वी साइड इसका। इधर भी गड्ढा, इधर भी खाई, और दिखाता हूँ यहाँ पे मंकीज रहते हैं बहुत सारे। और ये रहा जो हम बात कर रहे थे, क्या खतरनाक नज़ारा है। बस जहाँ तक नज़र जाए हरियाली ही हरियाली, क्या मज़ा आता है। कौन कहता है सिर्फ जंगल में ही एडवेंचर होता है? आप कभी ये नज़ारा देखे हो बिहार में? ओ भाई कमल के कांटा है, देख रहे हो ऐसे रास्ता। ये देख भाई साहब जंगल। अभी हमें यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे कहाँ रास्ता है नहीं है, बस अपने मन से जहाँ रास्ता दिख रहा है, जहाँ साफ दिख रहा है वहाँ से हम लोग निकलते रहे, बढ़ रहे हैं। ये रास्ता अब हम लोग खो गए हैं यहाँ पे। बाय, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा भी इसमें जंगल में घुसने का, अच्छा लगा, एडवेंचर हो गया थोड़ा सा। यहाँ से ये नज़ारा है,
इधर उतरेगा, इधर उतरेगा। से इसका नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, यहाँ से ये नजारा, ये कुछ, ये अभी वन विभाग वालों ने इन्हें कैप्चर कर लिया अपने एरिया में। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन के बाद, मतलब 2-3 साल बाद गाछ ही गाछ दिखेंगे। ये वो नजारा, इसका बात कर रहे थे इस साइड से जो दिखता है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जहाँ तक हो सके, और बने रहिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।